राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी के पार कृपा होगी, आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से, मेरे हनुमान जी, मेरे श्री राम जी, मेरी माता रानी, मेरे शिव शंकर महादेव जी, मेरे गणेश भगवान, सभी देवी देव, जितने भी देवता है, मैंने सभी का आह्वान कर लिया है। सभी यहाँ पर श्री राम जी के रामायण के इस पाठ को आशीर्वाद देने के लिए, इसका स्मरण करने के लिए, श्रवण इसे सुनने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, विराजे हैं। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। राम दोस्तों, सभी देवी देवता यहाँ पर विराजे हैं, सभी आपको आशीर्वाद देने के लिए। और रामायण ये अमृतवाणी है, इसे सुनने के लिए सभी प्रस्थान कर चुके हैं, यहीं पर विराजे हैं। आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 12वां सर्ग सुनाऊंगा। इसे पूरा सुने श्री राम जी की महिमा को, और आगे भी शेयर करेंगे भाई, आपके ऊपर अपार की पहुँचने रखी है। जय श्री राम। अरण्य कांड 12वां सर्ग। श्री राम आदि का अगस्त के आश्रम में प्रवेश। अतिथि सत्कार तथा मुनि की ओर से उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश करके अगस्त जी के शिष्य से भेंट की और उनसे यह बात कही। मुने, अयोध्या में जो दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा थे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र महाबली श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ महर्षि का दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं उनका छोटा भाई हूँ, हितैषी और अनुकूल चलने वाला भक्त हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है, संभव है यह नाम कभी आपके कानों में पड़ा होगा। हम सब लोग पिता की आज्ञा से इस अत्यंत भयंकर वन में आए हैं और भगवान अगस्त मुनि का दर्शन करना चाहते हैं। आप उनसे यह समाचार निवेदन कीजिए। लक्ष्मण की यह बात सुनकर उन तपोधनों ने बहुत अच्छा कहकर महर्षि को समाचार देने के लिए अग्निशाला में प्रवेश किया। अग्निशाला में प्रवेश करके अगस्त के उस प्रिय शिष्य ने, जो अपनी तपस्या के प्रभाव से दूसरों के लिए दुर्जय थे, उन मुनिश्रेष्ठ अगस्त के पास जाकर हाथ जोड़कर लक्ष्मण के कथनानुसार उन्हें श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार शीघ्रतापूर्वक यूं सुनाया। मामुने, राजा दशरथ के ये दो पुत्र श्री राम और लक्ष्मण आश्रम में पधारे हैं। श्री राम अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ हैं। ये दोनों शत्रुघ्न वीर आपकी सेवा के उद्देश्य से आपका दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। आप इस विषय में जो कुछ कहना या करना चाहते हो, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दो। शिष्य से लक्ष्मण सहित श्री राम और महाभागा विजयनंदिनी सीता के सुभागमन का समाचार सुनकर महर्षि ने इस प्रकार कहा। सौभाग्य की बात है कि आज चिरकाल के बाद श्री रामचंद्र जी स्वयं ही मुझसे मिलने आए हैं। मेरे मन में बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि वे एक बार मेरे आश्रम पर पधारते। जाओ, पत्नी सहित श्री राम और लक्ष्मण को सत्कार पूर्वक आश्रम के भीतर मेरे समीप ले आओ। तुम अब तक उन्हें ले क्यों नहीं आए थे? धर्मज्ञ महात्मा अगस्त मुनि के ऐसा कहने पर शिष्य ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, बहुत अच्छा, अभी ले आता हूँ। इसके बाद वह शिष्य आश्रम से निकलकर शीघ्रतापूर्वक लक्ष्मण के पास गया और बोला, श्री रामचंद्र जी कौन है? वे स्वयं आश्रम में प्रवेश करें और मुनि का दर्शन करने के लिए चले। तब लक्ष्मण ने शिष्य के साथ आश्रम के द्वार पर जाकर उसे श्री रामचंद्र जी तथा जनक किशोरी सीता का दर्शन कराया।
शिष्य ने बड़ी विनय के साथ महर्षि अगस्त की कही हुई बात वहां दोहराई और जो सत्कार के योग्य थे उन श्री राम का यथोचित रीति से भली भांति सत्कार करके वे उन्हें आश्रम में ले आए। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ आश्रम में प्रवेश किया। वह आश्रम शांत भाव से रहने वाले हरिणों से भरा हुआ था। आश्रम की शोभा देखते ही उन्हें वहां ब्रह्मा जी का स्थान और अग्निदेव का स्थान देखा। फिर क्रम से भगवान विष्णु, महेंद्र, सूर्य, चंद्रमा, भग, कुबेर, धाता, विधाता, वायु, पाशधारी, महात्मा, वरुण, गायत्री, वसु, नागराज, अनंत, गरुड़, कार्तिकेय तथा धर्मराज के पृथक पृथक स्थान का निरीक्षण किया। इतने ही में मुनिवर अगस्त भी शिष्यों से घिरे हुए अग्निशाला से बाहर निकले। वीर श्री राम ने मुनियों के आगे आगे आते हुए उद्दीप्त तेजस्वी अगस्त जी का दर्शन किया और अपनी शोभा का विस्तार करने वाले लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। लक्ष्मण, भगवान अगस्त मुनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। ये तपस्या के निधि हैं, इनके विशिष्ट तेज के आधिक्य से ही मुझे पता चलता है कि ये अगस्त जी हैं। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त के विषय में ऐसा कहकर माँ बहु रघुनंदन ने सामने से आते हुए उन मुनीश्वर के दोनों चरण पकड़ लिए, जिनमें योगियों का मन रमन रहा हो अथवा जो भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हों, वे धर्मात्मा श्री राम उस समय विदेह कुमारी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महर्षि ने भगवान श्री राम को हृदय से लगाया और आसन तथा जल देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। फिर कुशल समाचार पूछकर उन्हें बैठने को कहा। अगस्त जी ने पहले अग्नि में आहुति दी, फिर वानप्रस्थ धर्म के अनुसार अर्घ देकर अतिथियों का भली भांति पूजन करके उनके लिए भोजन दिया। धर्म के ज्ञाता मुनिवर अगस्त जी पहले स्वयं बैठे, फिर धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर आसन पर विराजमान हुए। इसके बाद महर्षि ने उन्हें कहा, कुछ वानप्रस्थ को चाहिए कि वह पहले अग्नि की आहुति दें, अग्नि को आहुति दें, तदनंतर अर्घ्य देकर अतिथि का पूजन करें। जो तपस्वी इसके विपरीत आचरण करता है उसे झूठी गवाही देने वाले की भांति परलोक में भी अपने शरीर का मांस खाना पड़ता है। आप संपूर्ण लोक के राजा महारथी और धर्म का आचरण करने वाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथि के रूप में इस प्रकार आश्रम पर पधारे हैं, अतः आप हम लोगों के माननीय एवं पूजनीय हैं। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त ने फल, मूल, फूल तथा अन्य उपकरणों से इच्छानुसार भगवान श्री राम जी का पूजन किया। तत्पश्चात अगस्त जी उनसे इस प्रकार बोले, पुरुषिंह, यह महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है, इसमें स्वर्ण और हीरे जड़े हैं, यह भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा यह जो सूर्य के समान देदीप्यमान है, अमोघ उत्तम बाण है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। इसके सिवा इंद्र ने ये दो तरकस दिए हैं, ज्योति के और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही यह तलवार भी दी है जिसकी मूठ में सोना जड़ा है। इसकी नान भी सोने की ही बनी हुई है। श्री राम, पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष से युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं की उद्दीप्त लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। मानद, आप यह धनुष और ये दोनों तरकस और ये बाण
तथा यह तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिए ग्रहण कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वज्र ग्रहण करते हैं, ऐसा कहकर महान तेजस्वी अगस्त ने वे सभी श्रेष्ठ आयुध श्री राम जी को सौंप दिए। तत्पश्चात वे फिर बोले, इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में बारहवें का बारहवां सर्ग पूर्ण। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भगवान राम। दोस्तों, ये बारहवां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको अरण्य कांड का तेरहवां सर्ग सुनाऊंगा। महर्षि अगस्त का श्री राम के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीता की प्रसन्नता प्रशंसा करना। श्री राम के पूछने पर उन्हें पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने का आदेश देना तथा श्री राम आदि का प्रस्ताव। अभी आगे लेता हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपके भाई से कोई गलती हो तो उसे क्षमा करना। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय श्री राम, जय बाबा नंदी।